नमस्कार, मैं दिगंबर कश्यप न्यूरोथेरेपिस्ट पिछले 18 वर्षों से न्यूरोथेरेपी की प्रैक्टिस कर रहा हूं और इन 18 वर्षों में हमने जो देखा है, सबसे ज्यादा पेट के पेशेंट हमने देखे हैं। हमारे पास सबसे ज्यादा पेशेंट आए हैं तो पेट के पेशेंट की सबसे ज्यादा एवरेज रही है। इसका सबसे बड़ा कारण होता है हमारा डाइजेशन। हमें जानकारी नहीं है, हम गलत समय पर खाते हैं, गलत चीजों का सेवन करते हैं, नींद प्रॉपर लेते नहीं है, हमें डिप्रेशन एंजाइटी रहती है जिसके कारण से हमारा पेट बार बार खराब होते हैं। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हमारे टेस्ट कराए जाते हैं, एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, अल्ट्रासाउंड, बहुत सारे टेस्ट रहते हैं, बहुत मोटी फाइल बन जाती है, हजारों लाखों रुपए हम खर्च कर चुके होते हैं, लेकिन पेट की बीमारी किसी रिपोर्ट्स में आती नहीं है। डॉक्टर कहते हैं कि आपके मन का वहम है, आपको कोई रोग नहीं है, आप ज्यादा सोचते हैं, आप ज्यादा टेंशन लेते हैं, आप स्ट्रेस में रहते हैं, इसलिए आपका पेट प्रभावित हो गया। दोस्तों, ऐसा नहीं है। आपको नाभि नले कौड़ी धरण आईबीएस की प्रॉब्लम हो सकती है। ये बीमारी किसी भी रिपोर्ट्स में आती नहीं है और कोई भी डॉक्टर इस बीमारी को मानता नहीं है। अगर आपने अपने टेस्ट करा लिए हैं, आपको पेट की समस्या हो गई है, तो आप अपने नाभि नले कौड़ी धरण आईबीएस की समस्या को चेक कराएं। नाभि हमारी बॉडी का सेंटर पॉइंट है। अगर हम इस प्रकार से नापते, सिर से लेकर नाभि की दूरी नापे और नाभि से लेकर पैर की दूरी नापे, तो यह हमारा सेंटर पॉइंट आता है। यह हमारी बॉडी का बेस है, हमारी बॉडी का आधार है। हमारी नाभि से 72,000 नाड़ियां निकलती हैं और यह हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स पर काम करती है। जब बच्चा मां के गर्भ में होता है तो नाभि से ही जुड़ा होता है और जैसा मां खाती है ऐसा बच्चे को लगता है और उसी से बच्चे की ग्रोथ हो रही होती है। इस सृष्टि की उत्पत्ति भी नाभि से बताई गई है। तो जरा आप कल्पना करें, अगर हमारी नाभि डिस्टर्ब हो जाए तो क्या हम रोगी नहीं हो सकते? आप 100% रोगी हो सकते हैं। इसलिए नाभि का ठीक होना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। जबकि एलोपैथिक इसको नहीं मानती। अगर आप किसी डॉक्टर से कहेंगे मुझे नाभि तो नहीं होगी, कहेंगे कि ये पागल हो गया, कैसी नाभि की बातें करते हैं, नाभि तो कुछ होती ही नहीं है। हम कहते हैं कि नाभि होती है और नाभि अगर किसी की डिस्टर्ब हो जाए तो ऐसी ऐसी बीमारियां हो सकती है, चाहे वो कितना भी इलाज करा ले वो ठीक नहीं हो सकता। इसलिए अपनी नाभि आपको चेक करानी ही चाहिए। ऐसे ही होता है कौड़ी, ये जो हमारी स्टर्नम बोन है, ये जो हमारी रिब्स है, स्टर्नम बोन है, जहां वी शेप बनती है, यहां कुछ लोगों को हैवीनेस रहती है, मटर के दाने जैसा उभरा हुआ हिस्सा नजर आता है और ऐसा व्यक्ति जब सुबह सोकर उठता है तो देखा जाता है कि उसके मुंह में झाग जैसा नजर आता है, ऐसा लगता है जैसे लुगदी हो गई है। तो अगर ऐसा लक्षण नजर आता है तो इसको हम कौड़ी कहते हैं। कई बार व्यक्ति को जरा सा टच करते हैं उसको बहुत सीवियर पेन होता है, उसको बर्दाश्त नहीं होता और बहुत ज्यादा हैवीनेस, ऐसा लगता है कि यहां इन्फ्लामेशन हो गई है, यहां स्वेलिंग हो गई है, तो इसे हम बोलते हैं कौड़ी। ऐसे ही नाभि से लगभग 2 उंगल नीचे, ये जो लोअर एब्डोमेन वाला पार्ट है, अगर हम पेशेंट को यहां चेक करते हैं तो यहां एक वॉल, एक दीवार जैसी नजर आती है, बहुत हैवीनेस जैसा रहता है, स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाती है, इसे बोलते हैं हम नलों की समस्या। जिनको नलों की समस्या होती है उसका एक सबसे इंपॉर्टेंट जो लक्षण होता है, ऐसे लोगों को देखा जाता है कि उनको काफ मसल पेन होता है और काफ मसल उनकी स्टिफ हो जाती है, ये होती है नलों की समस्या। अगर किसी व्यक्ति को कौड़ी, नले और धरण की समस्या या नाभि की समस्या हो जाती है तो व्यक्ति को ना दवाई से आराम मिलता है, ना कुछ खाना उसको पच पाता है, उसका डाइजेशन भी खराब होता है, उसको कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, उसको डायरिया भी हो सकता है, उसको वॉमिटिंग भी हो सकती है, उसको चेस्ट बर्निंग सेंसेशन भी हो सकती है, उसको पाइल्स भी हो सकती है। जब कॉन्स्टिपेशन ज्यादा दिनों तक रहेगा तो उसको पाइल्स भी हो सकती है, जिसके कारण से उसको स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन भी हो जाता है। अगर आप की सारी रिपोर्ट नॉर्मल आती है, दवाई से भी आराम नहीं मिलता, तो आप नाभि नले कौड़ी धरण इमीडिएटली चेक कराएं। और अगर आपको पता चले कि आपको नाभि नले कौड़ी धरण की समस्या हो गई है तो समय रहते हुए आप अपना प्रॉपर इलाज करें। इसमें ही एक होता है आईबीएस, इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम। सिंड्रोम मतलब ग्रुप ऑफ डिजीज, आईबीएस इरिटेट हो जाना, बॉवेल मतलब इंटेस्टाइन, सिंड्रोम मतलब ग्रुप ऑफ डिजीज। जब बहुत सारी डिजीज आपस में मिल जाती है तो एक सिंड्रोम बन जाता है और
आईबीएस में हमारी लार्ज इंटेस्टाइन सबसे ज्यादा प्रभावित होती है, उसका फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है और जो इसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स बनने चाहिए वो प्रॉपर नहीं बन रहा होता और इसकी जो एक मूवमेंट है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट वो डिस्टर्ब हो जाती है, प्रोसेस स्लो हो जाता है और हमारा मल आगे नहीं बढ़ रहा होता, वो मल हमारी बॉडी से बाहर नहीं निकल रहा और वो पड़ा पड़ा वहीं सड़ता रहता है, जिसके कारण से बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। इसमें व्यक्ति को ना भूख लगेगी, ना प्यास लगेगी, ना किसी काम में मन लगेगा। बहुत से लोग ऐसे देखे जो काम करते थे काम छोड़ चुके हैं, लेटे रहते हैं, चिड़चिड़े हो गए, गुस्सा आ जाता है, थकान हो जाती है, जरा सा कोई बात कर ले तो मन नहीं करता बात करने का, लड़ने को तैयार हो जाते हैं और कई बार तो व्यक्ति सुसाइड करने की भी कोशिश करता है। ऐसा होता है आईबीएस रोग। ये सब हमारी लाइफ स्टाइल के कारण से, हमने क्या खाया, कितने बजे खाया, हमारी नींद कैसी रहती है, हमें भूख लगती है नहीं लगती है, हम बाहर का ज्यादा खाते हैं, मैदा से बनी चीजों का ज्यादा सेवन करते हैं, स्ट्रेस में ज्यादा रहते हैं, नाइट शिफ्ट करते हैं, नींद प्रॉपर लेते नहीं है, निरंतर सोचते रहते हैं, जिसके कारण से हमें आईबीएस रोग हो जाता है। अगर आईबीएस हो जाता है तो जिंदगी बर्बाद हो जाती है, ऐसा कहने में भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होने वाली, क्योंकि जिनको भी आईबीएस हुआ है ऐसे बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आए हैं, कई सौ की संख्या ऐसी हमारे पास है, हर आयु वर्ग के लोगों को आईबीएस हुआ है, लेकिन अगर हम एवरेज देखें तो 18 से 30 वर्ष के लोगों को आईबीएस की समस्या हुई है, ऐसा हमने पाया है, और उन्होंने अगर न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट लिया है उनकी आईबीएस की समस्या भी ठीक हुई है, नाभि नले कौड़ी धरण की समस्या भी कुछ ही दिनों में ठीक हो गई है और वो पहले की तरह अपना जीवन अच्छे प्रकार से व्यतीत कर पा रहे हैं। दोस्तों अगर आपको पेट की कोई भी रोग है, चाहे आपकी बीमारी छोटी है, चाहे आपकी बीमारी बड़ी हो चुकी है, चाहे आपकी रिपोर्ट में कुछ ना आया हो, चाहे आपके डॉक्टर ने कहा हो कि आपको कोई रोग नहीं है और आपको लगता है कि आप फिर भी परेशान है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे क्लिनिक पर विजिट कर सकते हैं। आपकी पेट की बड़ी से बड़ी बीमारी क्यों ना हो, वो कुछ ही दिन के न्यूरोथेरेपी उपचार के बाद हमेशा के लिए ठीक हो जाने वाली है। मैं इस कॉन्फिडेंस से आपको इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि कई सौ की संख्या में हमारे पास पेशेंट आए हैं और सभी पेशेंट को आश्चर्यचकित परिणाम मिले हैं। अगर आपको रोगी हुए हैं, आपको रोग है, आप परेशान हैं, थक चुके हैं, निराश हो चुके हैं और आपको लगता है कि अब मेरा कोई इलाज नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए वरदान साबित हो सकती है, ये आपके लिए एक आशा की किरण लेकर आ सकती है और आपकी सालों की समस्या कुछ ही दिन में 100% ठीक हो सकती है। दोस्तों बिना समय गवाए आज ही हमसे संपर्क करें, हमारे क्लिनिक पर विजिट करें और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपकी ये बीमारी कुछ ही दिनों में 100% ठीक हो जाने वाली है। दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव हो सकती है। दोस्तों आप अगर हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन बटन जरूरी दबा दें, जिससे कि जो भी वीडियो हेल्पर हम बनाए उसका नोटिफिकेशन टाइम टाइम आपको मिलता रहे। धन्यवाद।